अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गिर जाओगी। गिरे बढ़िया लड़के, बस आप हमसे दूर रहिए। तुम्हारे दिमाग को किसी ने ठोक पीट दिया है क्या? ये कैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तो आपको भी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कोई बच्चा रो रहा है। ये क्या पता आवाज हमारे अंदर से ही आ रही हो। हे भगवान, कहीं आप पीछे हटो। आवाज यहां से आ रही है। पर आवाज आ तो नहीं है ना। अभी बस इस आवाज से बहुत डर लगता है। और हाँ, वैसे भी घर में बहुत काम पड़ा है। हम जा रहे काम करने। आप भूल रही है हमसे। अनमोल, अनमोल रुको, मैं भी आ रहा हूं। आज हमारे बच्चे का काम हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कह रही अभी तक आई क्यों नहीं? कितने सारे काम पड़े हैं। अनमोल, अनमोल बेटा चिकन आ गया। हाँ माँ। क्या कहा तुमने? हैं? चिकन? सुनहरी माना इस घर में विदेशी लोग आ रहे हैं, लेकिन तुमको पता हमारी अम्मा ने इस घर में मांसाहार कभी आने नहीं दिया। इस रसोई में पकाना तो बहुत दूर की बात है। पापा हम मानते हैं कि रसोई में कभी चिकन नहीं बना, लेकिन इससे पहले किसी ने 50 करोड़ रुपए भी तो नहीं मांगे थे ना। वो तो आज भी चौहान परिवार को 50 करोड़ कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, अनमोल सही बोल रही है। कभी कभी समय और हालात के हिसाब से चलना पड़ता है जी। माँ, मुझे लगता है कि वो लोग वेज नहीं खाएंगे तो हमें नॉन वेज ऑर्डर करना पड़ेगा। रजत, हम सबका धर्म भ्रष्ट करवाओगे क्या? मैंने एक बार बोल दिया इस घर में नॉन वेज ना ही आएगा ना पकेगा, बस। हाँ पापा, लेकिन हम लोग हमारे लिए थोड़ी ना मंगा रहे, ये तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिए। पापा एक बार ये खाकर देखिए। पापा एक बार खाइए तो। क्या खिला दिया हमें? मांस खिला दिया क्या? खा गए ना चकमा। पापा ये नॉन वेज नहीं है, ये तो सोया की टिक्की है। हाँ? हाँ? इसका मतलब है घर में नॉन वेज नहीं आने वाला है। एक बार खाकर देखिए आप भी। ये तो बहुत स्वाद है। रजत जी आप भी खाकर देखिए। नाइस। माँ, किसी और के लिए हम खुद का रिवाज क्यों बदले? अरे उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमने वेज में वेज मिलाकर नॉन वेज बना दिया। क्या क्या कर दिया? हाँ, वेज में वेज मिलाकर नॉन वेज। हाँ, जो कुछ भी है। और ये देखिए, ये हमने जलेबी के लिए खोल भी बना दी है, ये भी तैयार हो गया। फिर जैसे वो लोग आएंगे ना, हम गर्मा गर्म परोस देंगे। अच्छा ठीक है, तब तक हम ना डाइनिंग टेबल सेट कर लेते हैं। हा? तुम ये सारा काम देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ आप खड़े क्या, आइए हमारे साथ।
लिया और उसमें हम दोनों वो जलेबी का घोल, हमारा मतलब है जलेबी का घोल 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 ठीक करते हैं। जलेबी मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, वो प्रेजेंटेशन भी रेडी है और बाकी की सारी तैयारियां भी हो गई है, केवल कुछ ऑर्डर करना है। और एक काम करता हूँ, उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ, और मेरे हाथ की चाय तो यस। रजत जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही होगा, ये काम आपको ही मिलेगा। और हाँ, एक और बात, आज हम अपना तूफानी दिमाग नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो आपको चलाना है और ये तूफानी सौदा पक्का करना है, ठीक है? अब आप जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम रसोई का काम संभाल लेंगे। जाइए। अनमोल, थैंक यू। हमारे रसोई में क्या कर रही हो? जी वो कैरी की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। अच्छा? हाँ हाँ, पर ये घूंघट क्यों और क्या रखता है? जी वो हमारे गांव में पराए लोगों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले की सब्जियां काट दो, पहले बहुत देर हो चुकी। ऐसा कौन सा रिवाज है जहाँ औरतों के सामने भी मुंह रखना पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, ये हमें अपना शक्ल नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ, हम खुद कूद कर देख लेंगे। हे भगवान, ये अनमोल कहीं देख ना ले मुझे। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? हमें इसका चेहरा देखना है। चेहरा देखकर क्या करोगी तुम? हाँ वही तो, तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चेहरा छुपा कर क्या करेगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अनमोल टाइम से ये सारा काम कर लेना। हाँ, हम दीवू को देखकर आते हैं। रुको, रुक जा। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।